तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस सलाम केम छो कसा काय तुम्ही वारला छे की कैसे आप, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपका। और आप पिछले वीडियो में जो कि महेश्वर का वीडियो देखे होंगे, और मैं फिलहाल में महेश्वर में हूँ, और यहाँ से हम जाने वाले हैं जो कि ओंकारेश्वर जाने वाले हैं। और आप लोग जो कि महेश्वर का वीडियो नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप महेश्वर में का वीडियो देख सकते हो। और पिछला ब्लॉग जो कि महेश्वर का है, और हम जाएंगे अभी ओंकारेश्वर। और महेश्वर से ओंकारेश्वर की दूरी है लगभग 66 किलोमीटर की दूरी है। और आप लोग जो कि बाहर से आते हो ओंकारेश्वर दर्शन के लिए, तो कहाँ से आए और कैसे आए, आप लोग बाहर से आते हो तो इंदौर के लिए आ जाइए। इंदौर में आपके लिए फ्लाइट मिल जाएगी, ट्रेन मिल जाएगी। इंदौर से आप आ सकते हो गवर्नमेंट बस से ओंकारेश्वर। और इंदौर से ओंकारेश्वर की दूरी है 78 किलोमीटर। आप लोग जो कि उज्जैन दर्शन करने आते हो तो ओंकारेश्वर आ सकते हो। उज्जैन से ओंकारेश्वर की दूरी है जो कि लगभग 140 किलोमीटर की दूरी है, उज्जैन से भी आ सकते हो आप। और ओंकारेश्वर में कहाँ रहेंगे और कहाँ रहने के लिए आपको जैसे कि 200 रुपये लेके 2000 तक के लिए रूम मिल जाएगा, आपको जैसा चाहे वैसा मिल जाएगा। आपको धर्मशाला भी मिलता है वहाँ पे, सब कुछ मिलेगा, आपके जैसा बजट वैसा आप रह सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए ओंकारेश्वर जो कि हम, और ये रहा है हमारा होटल जो कि होटल गीताश्री होटल है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। सो आप लोग आते हो तो आप इस होटल में रुक सकते हैं, श्री गीताश्री होटल है ये। और मामलेश्वर मंदिर से 300 मीटर की दूरी पे है ये होटल। और आप लोगों को थोड़ा मैं रूम टूर करा देता हूँ, चलते हैं रूम में। ये रहा है हमारा रूम जो कि 301 है। और ये रहे दो बेड जो कि इंदेश यहाँ पे बैठा है, ऐसा कुछ है रूम। चार जन है हम लोग तो दो बेड है। और ये रहा वॉशरूम। और ये रहा है बाहर का नज़ारा, ये डैम है जो कि, तो आपको मैं नाइट लाइन का दिखाता हूँ जो कि नाइट में कैसा क्या रहता है, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। मैं ब्रिज पे आ गए। और इस ब्रिज से ऐसा कुछ नज़ारा है। और ये नर्मदा रिवर है, और ये नर्मदा रिवर जो कि मेरे महेश्वर में भी है, यही नर्मदा रिवर है। और ये रास्ता जो कि मेन मंदिर की तरफ जाता है।
सो फिलहाल हम लोग है झूला पुल पे और शाम का टाइम है जो कि आरती हो रही है। ये रहा है मेन मंदिर। नाइट लाइन का व्यू बहुत खूबसूरत सा है, गजब यार, मौसम क्या खूबसूरत दिख रहा है नाइट लाइन का।